नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। कांधला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लूट की योजना बनाते 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार व लूट में प्रयोग इस्तेमाल टेम्पो बरामद कर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कांधला थाना प्रभारी उमेश रोरिया और उनकी टीम को बृहस्पतिवार देर रात मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कांधला बुढ़ाना रोड सुन्ना पुलिया के समीप 5 शातिर लुटेरे लूटपाट के इरादे से खड़े हैं। पुलिस ने तुरंत सूचना पर अमल करते हुए मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में 5 लुटेरों ने क्षेत्र में अन्य भी कई लूट स्वीकार की हैं। पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों से लूट में इस्तेमाल छुरी व लूटा हुआ ऑटो बरामद कर 5 लुटेरों को संगीन धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पेश है शामली कांधला से गुलजार राणे की रिपोर्ट। सर, आज एक गैंग पकड़ी गई है जिसमें 4-5 लुटेरे हैं। ये किस विषय में और कहाँ से लूट करते हुए पकड़े गए? कल एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई हम लोगों को शाम के समय कि कुछ लोग राहगीरों से लूट करने के प्रयास में छिपे हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पहुंची, जो सुन्ना नहर वाले रास्ते पर जंगल में वहीं खेत में छिपे हुए थे और इनका एक ऑटो भी था। तो ये लोग करनाल के रहने वाले हैं जो कि राहगीरों से आने जाने राहगीरों से लूटपाट करते हैं। सर, कितने मामलों में इनके पहले भी कोई लूट में गए हैं कहीं से? हाँ, ये हरियाणा के हैं चूँकि रहने वाले, तो इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल तो ये यहाँ पर लूटपाट करने के इरादे से छिपे हुए। सर, क्या बरामद हुआ इनसे? इनसे चाकू बरामद हुए हैं और रस्से बरामद हुए हैं और बाकी एक ऑटो बरामद हुआ है जिसका प्रयोग है लूटपाट में।